आज उस चीज को समझो कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। ये सिस्टम लगभग 70 साल पहले इस दुनिया में आया, 70 साल पहले इंडिया में ये आया 1994 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस सिस्टम को 1994 में लेकर आए इंडिया में। मनमोहन सिंह जी को जानते हैं आप लोग? कितने लोग ये जानते हैं उनके बारे में कि वो अर्थशास्त्री है? और आपको गर्व होना चाहिए, इंडिया नहीं दुनिया के टॉप 10 अर्थशास्त्रियों में उनका नाम आता है। इंडिया नहीं, दुनिया के टॉप 10 में उनका नाम आता है। यू नो अर्थशास्त्री, कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? किसको कहते हैं अर्थशास्त्री बताएगा? मैं बताऊं बहुत सिंपल वे में, देश की जो आज आर्थिक स्थिति है इसको देख के वो आज बता देंगे कि 50 साल बाद ये देश कहां खड़ा होगा, उसको अर्थशास्त्री बोलते हैं। इसलिए आप देखना मनमोहन सिंह जी बहुत समय से चुप है। उनसे बहुत कहते हैं लोग कुछ तो बोलो, कहते हैं चुप ही रहने। क्यों? अगर मैं आज बोल दूं इस देश का क्या होगा, बोले आप आपस में लड़कर मर जाओगे। ये देश जिस संकट से गुजर रहा है, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी उस समय, ये तो अब आके थोड़ा सा चेंज हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है, उनके हाथ में कंट्रोल नहीं था। अपन राजनीति में नहीं जाना चाहेंगे, अपन राजनीति के व्यक्ति नहीं है। कहने का मतलब है 1994 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ही अनुमति दी थी DSM को इंडिया में आने। उस समय वो अमेरिका के टूर पे थे, उस समय वो वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने अमेरिका की गवर्नमेंट से ये पूछा था कि आपका देश इतना फास्ट प्रोग्रेस कैसे कर रहा है आर्थिक रूप से। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ DSM चलता है। बोले हमारे भारत में नहीं चल सकता? बोले चल सकता है, आपको अधिकार है, आप वित्त मंत्री हो, अनुमति दे दो, सिखाएंगे हम। विदेश की कंपनियां पहले एंटर हुई इंडिया में DSM को सिखाने के लिए। तो उन्होंने पूछा क्या मेरा देश भी आपकी तरह पैसे वाला बनेगा? तो अमेरिका गवर्नमेंट का स्टेटमेंट था, मनमोहन सिंह जी अगर आपका देश का व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट को समझ गया अच्छी तरह, तो आपका देश पैसे वाला नहीं, ये वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा। अब प्रश्न आता है बना क्यों नहीं, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा कि क्यों नहीं बना। अब प्रश्न आता है कि इसमें करना क्या है। ये सिस्टम बड़ा आसान है, जितने लोग DSM के बारे में जानते हैं, आसान है या थोड़ा मुश्किल काम है? आसान है। क्या आसान है? अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे रहो, अच्छी लोगों से बात करो, लोगों को समझाओ। इसमें क्या होता है, लोगों को समझाना है तो आसान, मुश्किल क्या है? भारत के आदमी को समझाना है। ये थोड़ा सा चैलेंज है। बस उसी चीज को तो हम बार बार मीटिंगों में सीखने आते हैं कि इसको समझाना कैसे, क्योंकि समस्या समझाने वाले की है। एक बार क्या हुआ, बड़ा ध्यान से सुनना ये मैटर कैसे गड़बड़ होता है। एक आदमी अपने आप को फीलिंग करने लगा कि मैं चूहा हूं, चूहा। कैसा फीलिंग करने लगा? बस उसके माइंड में एक साइकोलॉजी घुस गई, जैसे डिप्रेशन में निकला जाता था, मैं चूहा हूं। तो वो बिल्ली को देख के डर जाता था, घर वाले परेशान, उसका इलाज कराया एक मानसिक डॉक्टर से। उस डॉक्टर ने 2 साल बाद उसके अंदर इंप्रूवमेंट किया, नहीं नहीं तू शेर सिंह है, चूहा क्यों है, तू शेर सिंह है। बड़ा इंप्रूवमेंट किया, 2 साल बाद वो अपने आप को मानने को तैयार हुआ, यस मैं शेर सिंह हूं। डरोगे तो नहीं किसी से? नहीं डरूंगा सर, पक्का शेर सिंह हो? हाँ सर शेर सिंह। जैसी बाहर निकला बिल्ली दिख रही, फिर अंदर आ गया। डॉक्टर साहब बोले अब क्या हुआ? बोले मैं तो समझ गया, उसको तो समझाऊ। समस्या यही है उसको समझाने की। वो कह रहा है सर मैं तो समझ गया, ये वो बाहर उन्हें तो समझाओ, क्योंकि यहां बहुत बड़ा चैलेंज है किसी को समझाना, क्योंकि हर आदमी अपने आप को शेर सिंह समझता है। मीटिंग में आता यार बाहर मिला 20 लोगों से, कहते सर सब ठीक है, इनको तो समझाओ आप। तो एक कहावत है, आप सबको ठीक नहीं कर सकते, आप सबको समझा नहीं सकते। आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, हर रास्ते पे कंकड़ पत्थर कांटे हैं, आप नहीं साफ कर सकते वो रास्ते, आप हर कंकड़ को नहीं हटा सकते, हर कांटे को नहीं हटा सकते। एक ही नियम है, अपने पैर में एक मजबूत जूता डाल के निकलो, आप रास्ते क्लियर नहीं कर सकते।
और हम कोशिश आज यही करेंगे कि आपको एक मजबूत जूता पहनाते हैं, क्योंकि ये आएगा, चैलेंज आएगा, तो करना चाहिए इसको। yes. और करना भी पड़ेगा। एक चीज मैं आज क्लियर कर दूं कटक वालों, वापस मेरा पता नहीं कब टूर हो, क्योंकि मेरे को पूरा इंडिया जाना होता है। ये सिस्टम आपके 7 साल पहले तक इच्छा थी, करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो मत करो, लेकिन अब ये सिस्टम इच्छा नहीं है, अब ये मजबूरी बन चुका है, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट का कानून आ गया है केंद्र से। अब इसको करना ही पड़ेगा, भले आज करो, 2 साल बाद करो, 4 साल बाद करो, 10 साल बाद करो, करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज कानून में आ जाती है ना, उससे छिपा जा सकता है, भागा जा सकता है, बचा नहीं जा सकता। इसीलिए तो कहावत है, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। जब हाथ इतना ही होता है तो कानून के लंबे कैसे होते हैं? कहा जाता है उसके हाथ से कोई बच नहीं सकता। तो बचना तो पॉसिबल है नहीं, करना तो पड़ेगा। अब ये इच्छा है जब करना चाहो, लेकिन हमारे यहां पता है आदमी काम कब करता है? सर जब जॉब नहीं रहेगा ना तब कर लेंगे, जब दुकान नहीं चलेगी तब कर लेंगे, जब बारिश नहीं होगी, खेती काम नहीं करेगी सब कर लेंगे। और ये मेरे को बड़ा दुख है इस बात का, मेरे को 16 साल हो गए भारत में बात करते हुए, भारत में व्यक्ति इच्छा पे काम नहीं करता। देखना, ये हमेशा मजबूरी में ही पसंद करता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब कहता है अब करूंगा। फिर करने कौन देगा, करने कौन देगा? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अभी गर्मी है, थोड़ा सा पानी की इच्छा है? Yes. अगर मिल जाए तो ठीक है। अच्छा, अभी नहीं मिले, 3 घंटे बाद मिल जाए तो ठीक है। हम आपको एक रूम में बंद कर देंगे और शाम तक पानी नहीं देंगे, आप समझना इच्छा और मजबूरी क्या होगी। हम